के? नीचे जमीन में पानी डाल दिया जाता था, पानी के द्वारा ये ठंडा होता था। ऊपर विंटर के लिए और सर्दी के लिए, ये गर्मी के लिए है। अकबर की वाइफ वहाँ से आती थी छोटे गेट से, यहाँ पर उनके पैर हाथ धोने की जगह है, उसके बाद राजा से बात करने के बाद वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता था। देखो पर्दे का राज पर्दे में रहे, इसलिए यहाँ आके समझ में आ रहा है कि लोग अकबर क्यों कहते हैं अपने आप को। अकबर का ये, अकबर का वो, अकबर भाई साहब। ये अकबर की तीसरी रानी का महल है, कृष्ण रानी का, मरियम का। ये उसका किसी ने रसोई घर, और वहाँ पर वो मांसाहारी थी और ये शाकाहारी किसी ने, ये दूरवाई भी किसी ने। इसके 56 डिजाइन है देखो, वहाँ पर किसान के बंदों के ऊपर लाइन दीजिएगा आपके बंदों के ऊपर, वो सब उसकी ईयरिंग डिजाइन। कहाँ जा रहे हो? सलीम हो गए हो क्या? अंदर जा रहे हो? जा रहे हैं महारानी जोधा बाई के हवेली में, जहाँ वो रहती थी। सबसे बड़ा महल है जोधा बाई का, मतलब बाकी दो रानियों का भी है लेकिन उनका छोटा छोटा है। उनका सिर्फ ऐसा है कमरा, और इनका तो पूरा महल है। सो, अभी गाइड ने बताया वो जो देख रहे हैं आप वो सर्दियों के लिए है, ये वाला गर्मियों के लिए था। और तुलसी का वो पेड़ जहाँ पर वो पूजा वगैरह करती थी। सो, जैसा हम लोगों ने सुना था ना कहानियों में कि मंदिर था बहुत बड़ा सा, और वो जो अयोध्या अकबर वाली पिक्चर है, मूवी है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है वाली पिक्चर, तो बिल्कुल डिट्टो सेम उतना बड़ा आलीशान सा ये उनका मंदिर है जहाँ पर वो पूजा करती थी। उसके जस्ट सामने ये है पेड़ तुलसी का। ये जो बाकी के आप छोटे छोटे कमरे देख रहे हो, जिनको अच्छा लगता है वो कहानी खुद ही बना लेते हैं। हाँ और क्या है, जो सब सब तो छोटे छोटे जो कमरे बताए उसने, वो तो दासियों के बताए ना। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन जो कहानियाँ बताते हैं, लेकिन हम लोगों ने देखा भी तो यही है उन सब तो में, वो भी तो खाने है। ये ड्रेनेज वाली जो बात है ये सही है। हाँ, ये ड्रेनेज वाला है सिस्टम है यहाँ पर, पानी हार्वेस्टिंग के लिए। तो अब तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया हमारा सीकरी का सफर। अब हम लोग जाएंगे फतेहपुर। फतेहपुर तुम्हें पता था ना, दो अलग अलग चीजें हैं फतेहपुर सीकरी। हाँ? सीकरी अलग, फतेहपुर अलग। तो चलिए चलते हैं अब हम फतेहपुर। बहुत भीड़ दिख रही है मुझे फतेहपुर वाले मॉन्यूमेंट पे, और यहाँ पर बुलंद दरवाजा भी है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। जमा करनी पड़ेंगी क्योंकि यहाँ पर दरगाह है। बताते
पर एक दरगाह भी है, हज़रत सलीम चिश्ती मोहम्मद दरगाह। तो शोएब वहीं पर से होकर के आ रहे हैं, हमने जब यहाँ आए हैं तो चले ही जाते हैं। बागे पीछे हमारे बुलंद दरवाज़ा है और थोड़ा रेस्ट भी हो गया। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भैया, पानी। आगे वहाँ पे जाओ, नीचे जाओ, बुलंद दरवाजा। व्यू देखिए जरा, ऐसा लगा वी आर ऑन द टॉप। और यहाँ से नीचे देखने में तो वही डर लग रहा है बहुत ज्यादा, कैमरे में नहीं है बट बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मैं यहाँ पहले आ चुकी हूँ, मुझे पता ही नहीं है मैं यहाँ पहले आ चुकी हूँ, पर शोएब को याद है कि मेरी कोई फोटो है यहाँ पर, वो भी मेरे ससुर जी के साथ, मेरे नाना के साथ, नाना नानी सब लोग। हम लोग आगरा, मतलब मुझे ये तो याद है कि मैं आगरा आई थी, यहाँ का नहीं याद मुझे। ताजमहल आई थी जब छोटी थी, शायद 8th क्लास में, बट इतना तो याद रहता यार, 8th में थी तो थर्ड सेकंड इतनी छोटी थी तब, नहीं याद। फोटो खींचो, तुम्हारी फोटो खींचो। इनको नीचे जाने का बहुत ज्यादा वो हो रहा है, मुझे तो सिर्फ देख के डर लग रहा है भाई, डर लग रहा है मुझे देख के। ये खड़े हैं वहां, जो मैंने कहा पीछे आ जाओ प्लीज, पीछे आ जाओ। मुझे ही नहीं, इनको भी डर लग रहा था। हाँ, मुझे डर। अरे नहीं भाई, लेकिन मेरी फोटो के लिए ये 4 स्टेयर्स नीचे चले गए थे। कुछ भी कुछ भी क्या, जब ऊपर चढ़ रहे थे तो डर रहे थे, रुखसार पकड़ो पकड़ो कर रहे थे। जीने हैं सही में यार, मुझे डर लग गया। अच्छा, मुझे पता नहीं था कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है, पर लगता है। चलो सुना दो। ये नीम की पत्तियों को पीछे भी कम नहीं, बड़े भाई का चुना कान से भी कम नहीं, आती जाती करती पान, बड़े भाई रखे शाहरुख खान, टंकी पे टंकी टंकी पे बंदर, और मैडम सरजी तो फूलों के अंदर गिरी थी, नीचे खिचड़ी नीचे मुड़ के देखा तो मैडम जी समझ गई। सुनकर मेरा दिमाग खराब हो चुका है, ठीक है। ये क्या, ये कुछ लग रहा है, अच्छा सा पार्क वार्क लग रहा है, कुछ भी सही में अच्छा पार्क दिख रहा है। दो पेड़ लग गए तो पार्क हो गया। ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग वापस आ गए हैं गुलिस्तान टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, जहाँ से आपको बसेस मिलती हैं जाने के लिए। यहाँ पर आपको कुछ पे करना होगा जाने के लिए। तो आज का जो हमारा सफ़र है फतेहपुर और सीकरी का, वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। एंड हिस्ट्री के बारे में जानकर काफ़ी अच्छा लगा आ करके। हाँ, गाइड करें या ना करें। तो बस का जो फेयर था वो पर पर्सन 30 रुपीज़ था, और जो हमने गाइड किया है वो है 650 बोल रहे थे, आप लोग बार्गेन कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर 650 करवा लिया। और अभी यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है यहाँ की साइड पर, तो आप लोग शॉपिंग भी कर सकते हैं, हो सकता है मैं भी यहाँ से कुछ लूँ। हाँ, देख रही हूँ। तो फ़ोन का जो बैटरी है वो पूरी ख़त्म होने वाली है, इसलिए इस ब्लॉग को यहीं पर नहीं गिरूँगी बाबा, इसलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को देख करके मज़ा आया होगा आज का ब्लॉग। कल का जो ब्लॉग है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग एंड यस, बहुत मज़ा आने वाला है कल के ब्लॉग में। यस, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ऐसे ही प्यार देते रहिए, आप लोगों के प्यार की मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सपोर्ट की। तो अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।